मजा ना आए खाने में, रिपोर्टिंग आए थाने में, नानी खाए, नाना गुस्सा है, अकेले क्यों जाए कबाबची, हमको साथ में लेके जाए। गेट हुसैनाबाद पे अपना फूड वॉक कर रहे हैं और लाइन से दोनों तरफ यहाँ पे दुकानें हैं खाने की बैक टू बैक, और वेजिटेरियन खाना भी है, नॉन वेजिटेरियन खाना भी है, अलग अलग मॉकटेल्स मिल रहे हैं, चाय मिल रही है। और इस वक्त हम लोग ईरानी चाय पी रहे हैं, ईरानी दम चाय। ईरानी दम चाय बनाने की प्रक्रिया की बात की जाए तो सुराही नुमा बर्तन, उसमें पानी, चाय पत्ती और चीनी तीनों को दम पर पकाया जाता है। उसके बाद एक अलग बर्तन में उसमें डाल लेते हैं और अलग से दूध को पकाया जा रहा है। दूध में थोड़ा सा फूड कलर भी इन्होंने मिलाया हुआ है जो कि ऊपर साफ देखने को मिल रहा है और बिल्कुल दूध गाढ़ा हो जाता है, ये फुल क्रीम मिल्क है। और उसको फिर अलग बर्तन में डाल लेते हैं। जब चाय ऑर्डर करते हैं तो पहले इस मिट्टी के कप में दूध डालते हैं, उसके बाद जो लिकर है वो मिला देते हैं और ऊपर से थोड़ी मलाई डाल दी और तैयार हो गया दम चाय। ये मुझे चाय कम बासुंदी ज़्यादा लग रही है, बहुत मीठी है। बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम नवाब है। इसका नाम तवा तवाई क्यों है? भाई साहब हमारे यहाँ रोल काफ़ी बिकते हैं, भाई लोग आते हैं हमारे, खा जाते हैं हमारे यहाँ। सबसे अच्छा लखनऊ में हम लोग अभी एक साल होने वाला है, आए हो गया है बस भाई लोग का। कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से। यहाँ पहले वहाँ तवाई मचा रहे थे? पहले वहाँ तो हमारी और मालिक की ब्रांच है, बाकी ये हमारा यहाँ लखनऊ में पहला ब्रांच है। तो आपने जैसे शोरमा में बनते हुए देखा है तो ये जो मशीन होती है शोरमा की, ये सीधी घूमती है, उसको आपने उल्टा कर दिया? मालिक हमारे कतों से देसी जुगाड़ ला के यहाँ लगाया गया है कि आदमी देखे उन्हें भी लगे हाँ कि कोई आया है, यहाँ भी तवाई मचा रहा है, इसीलिए हमारी दुकान का नाम तवा तवाई है। तो ये लकड़ी पर अपना चिकन को पका रहे हैं? जी सर, लकड़ी पे पका रहे हैं, इसका हमारा फ्लेवर अच्छा आता है। ये तो है। और मसाला वसाला मिला के लगाए हुए हैं इसमें? जी सर। खाली चिकन ब्रेस्ट होता है इसमें? जी सर खाली ब्रेस्ट है। हाँ। बवाल शोरमा क्या होता है? बवाल शोरमा ये हमारा एक अभी हमने एक महीना पहले लॉन्च किया गया था, भाई लोग 25 वाले के लिए आते हैं, 5 से 7 तक रहते हैं, हमारे पास 25 वाला ख़त्म हो जाता था तो भाई जो वापस चले जाते थे उनके लिए हमने 30 रुपये का बवाल रख दिया गया। बाकी उसका गार्लिक भी हमने चेंज कर दिया है और अच्छी गार्लिक 30 वाले का बना के एलो चला दिया। ये तवाई रोल है लेकिन चिकन में आप लोग आलू मिलाते हैं थोड़ा? जी। क्यों? हल्का सा टेस्ट देने के लिए। अच्छा। लोगों को पसंद है, डिमांड थी। हमारा ये सबसे बेस्ट शोरमा है सर। काफ़ी जूसी तो है और ब्रेड भी सॉफ्ट है, जो मतलब ये जी ये रोटी भी हम अपनी तैयार करवाते हैं। हाँ हाँ। ये हम बाहर से नहीं लाते। तो इसमें मैदा आटा दोनों होता है? जी सर, मैदा आटा होता है और बहुत सारी मटेरियल होती है जो हम अपना इस्तेमाल करते हैं। वाह, काफ़ी हैवी है। अच्छा, इसमें स्मोकी फ्लेवर भी है और गार्लिक का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसमें, है काफ़ी रिच भी है। तो ये लखनऊ की मशहूर दुकान है? जी, लखनऊ की मेरे नायाब नाम हलीम से मशहूर है दुकान मेरी। 7 साल में घंटाघर टावर के बगल में तालाब है, उसके सामने मैं लगाता हूँ। तो आप खिचड़ा बनाते हैं और हलीम बनाते हैं? जी, खिचड़ा मैं बड़े का बनाता हूँ और मटन का हलीम बनाता हूँ। तो इसमें लखनऊ का क्या टच है? ऐसे हलीम तो हम लोग जो जानते हैं कि ये आपका हैदराबाद की तरफ है। हैदराबाद है लेकिन ये मैं लखनऊ हैदराबाद वाली डिश है, मैं लखनऊ में बना रहा हूँ, अपनी अपना बना रहा हूँ, मैंने उसको किया और मैं अच्छी चीज़ दे रहा हूँ। तो इसको वैसे ही बनाते हैं, पका के घोटते हैं? जी जी, मैं बहुत इसको सबसे ज़्यादा इसमें टाइम लगता है। ये पूरा देखिए एकदम बिल्कुल आपको बिल्कुल रेशा मिलेगा, इसको घोटने में बहुत टाइम लगता है। ये देखिए
तो उसमें गेहूँ गेहूँ होता है, जौ गोधी होती है, दालें होती हैं, दलिया होती है। तो मैं फारूक भाई आपसे पूछ ही रहा था कि इसमें लखनऊ का क्या टच है। तो लखनऊ का ये टच है इसका, जी जी, जिस तरह से आपने इसको मतलब सजाया है, जी जी जी, है ना, इसमें आपका खरबूजे के बीज, बादाम, गुलाब की पंखुड़ी, पिस्ता, जी जी, जो मेवे डाले हैं जी, उस कारण से ये इसका शाही अंदाज बन गया है जी। लखनऊ का शाही अंदाज हमारे, है ना, लखनऊ का बिल्कुल। और मिट्टी के प्याली में आपने इसको सर्व किया है जी, जी। अब इसका जायका लेते हैं और बताते हैं कि इसमें नफासत है कि नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए रेशा होना बहुत ज़रूरी है जी जी, है ना, एक थोड़ा सा स्टिकीनेस भी होना चाहिए, वो है इसमें, अच्छे से घुटी हुई है हलीम और है डिश हैदराबाद की, लेकिन अब लखनऊ में भी उपलब्ध है। नयाब हलीम के नाम से, क्लॉक टावर के सामने, क्लॉक टावर के सामने, मोहम्मद फारूक। हालांकि इसमें जो जो क्या बोला जाए इसको, दाल है जी जी, उसकी भी अच्छी खासी मात्रा रखते हैं जी जी, है जी जी, मैं तो इसे दलीम कहूँगा, दलीम जी जी, है जी जी, है बहुत ही उम्दा, बिल्कुल गर्मा गर्म, इलायची दाना भी आया है, मोटी इलायची का दाना, काली मिर्च भी है इसमें, और काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होता है ये, तो जो लोग रोज़ा रखते हैं जी जी, रोज़ा खोलने के बाद ये खाना पसंद करते हैं जी, खाना पसंद करते हैं। ये ऊपर से क्या डाला आपने? ये इसकी तरी बनाते हैं हम लोग, इसकी अखनी, गोश्त की जो अखनी होती है उसमें से तरी निकालते हैं हम लोग। इसमें जावित्री भी है? हाँ, सब मसालों में जावित्री वगैरह सब पड़ेगी, गरम मसाला वगैरह सब। तो हमारा कहना है सर, मज़ा ना खाने में, रिपोर्ट लिखाएं खाने में, और नाना खाएं और नानी गुस्साएं। क्यों? नाना जो है, नानी इसलिए गुस्सा रही है कि वो कह रही है आप अकेले क्यों चले गए, खाना खाने आप अकेले गए, तो इसलिए उनका कहना है कि साथ में हमारे जाएं, तभी तो मज़ा आएगा। तो कहाँ जाएं? पेट भरना है आपको, कहीं जाएं, और अगर टेस्ट लेना है तो कब वापसी आए। क्या बात, ठीक है, थैंक यू। मुस्कुराइए, आप लखनऊ केवापची में हैं, और हमें बताइए सर अपने कबाबची रेस्टोरेंट के बारे में। हेलो सर, कबाबची रेस्टोरेंट का हमने जो विज़न देख के इसको शुरुआत की थी 2 साल पहले, वो ये था जो लखनऊ का शादियों का खाना है वो हम नॉर्मल डेज में भी सर्व कर पाएँ, उसी विज़न के साथ सर हमने शुरुआत की है, और आज हम बहुत ही अच्छी जगह पे हमारा एक आउटलेट और खुल चुका है। ये काकोरी है जी? ये काकोरी है हमारी, ये चिकन काकोरी है सर, हर कोई इसको मटन का या बेफेलो का बनाता है, हम एक ऐसे लौते हैं जो इसको चिकन में भी देते हैं। सही, मैंने कभी चिकन काकोरी कबाब नहीं खाया। जी बिल्कुल सर, आप ट्राई करें, आपको ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा। ये चिकन संभल है सर, क्योंकि चिकन संभल जो है मुरादाबाद के बाद एक जगह है संभल, ये वहाँ का कबाब है, जैसे लखनऊ का एकदम मेल्ट इन माउथ होता है, ये सर थोड़े मोटे कीमे का होता है, दरदरा होता है, ये खाने में आपको एक अलग फील आती है, लखनऊ की एक अलग फील आती है। ये हमारे संभल का मटन कबाब तो खाया है जी, तो चिकन कबाब दिल्ली में कई बार शादियों में वहाँ से कबाबची आते हैं, संभल से बुलाए जाते हैं, अच्छा वो लोग आगे कबाब लगाते हैं, तो मैंने वो खाया है, पर चिकन का नहीं खाया है, तो ये फर्स्ट टाइम खाऊंगा। तो मसाले एक ही हैं काकोरी कबाब में, संभल कबाब में अलग है? अलग मसाले हैं, आप दोनों को खा के देखें, दोनों के मसाले अलग होते हैं, दोनों का प्रिपरेशन स्टाइल अलग होता है, दोनों का मैरिनेशन अलग होता है। ये थोड़े मोटे कीमे का कबाब है सर, है तो मुलायम, ये भी है मुलायम सर, हो गई हाँ, मैरिनेशन पूरा प्रॉपर होता है, इसमें बस दरदरापन होता है। और सर ये चिकन का है, कोई ये बता नहीं सकता है कहा कि ये चिकन का है। इसमें गरम मसालों का इस्तेमाल किया? गरम मसालों का सर इस्तेमाल बिल्कुल किया हुआ है सर, कबाब में तो गरम मसालों का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर से एक हल्की सी बस लग रहा है फिल्म चढ़ी हुई है, फिल्म सर, ये जो हम लोग इसको लाइव फ्लेम पे बनाते हैं, हम लोग कोयलों पे बनाते हैं सर, जब कोयलों पे ये गरम होता है तो अंदर से सॉफ्टनेस आ जाती है, बाहर से इसका रोस्टेड नेचर आ जाता है, तो उसको जाके पूरा एक हमारा काकोरी कबाब या एक जो सीख कबाब जिसको बोलते हैं वो बनता है। अब मैं बताऊँ ऑनेस्टली, मतलब नो ऑफेंस टू लखनऊइट्स, मुझे गलौटी कबाब उतना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे मेल्ट इन माउथ कबाब पसंद नहीं है।
अभी तो फिलहाल दांत हैं पहली बात, दूसरी बात मतलब मीट का जो टेक्सचर होना चाहिए ना वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। खैर खुशबू इसमें भी आ रही है, खुशबू तो सर है लखनऊ में बनता है, लखनऊ खुशबू का जायका सर हर कबाब में। ये हमारा स्पेशल काकोरी कबाब, ये थिक पेस्ट लग रहा है आप खा रहे हैं, ये आप मीट का। जी बताइए आप इस लगन के बारे में। सी सर ये चिकन लगन है, तो लखनऊ की मुसलमानी शादियों में ये सबसे प्रोमिनेंट आइटम होता है जो आपको मिलेगा। ये एक बड़े से परात में सर्व होता है और सेम उसी तरह से हम भी यहाँ उसको एक देखिए बड़े से परात में ही चिकन लगन बनाते हैं। तो ये सर आपको और कहीं नहीं मिलेगा, कोई रेस्टोरेंट ये नहीं रखता है, सिर्फ शादियों में मिलता है। इनका बनने का स्टाइल ही परात में है और तभी इसको चिकन लगन, जिसको ये चीज़ परात को हम उर्दू जबान में लगन बोलते हैं, तभी इसका नाम आया है चिकन लगन। और ये उल्टे तवे का पराठा है, ये उल्टे तवे का लखनऊ का स्पेशल पराठा है। ये जो इसका टेक्सचर है ना बिल्कुल जो दिल्ली में आप नहारी खाएंगे ना, दिल्ली की नल्ला नहारी जो होती है उसका टेक्सचर है। तो इसमें थिकनर डाला है कुछ आपने? थिकनर नहीं डाला है, सही है पूरे। तो कैसे ये लस्सापन कैसे आ रहा है इसमें? गाढ़ापन हम लोग ड्राई फ्रूट्स को मेंस करके डालते हैं इसमें, जिससे इसकी थिकनेस है। हम और कोई थिकनेस एजेंट नहीं यूज़ करते हैं सर। मुगलों का खाना है, नवाबों का खाना है, तो पूरी नवाबियत होनी चाहिए, काजू का पेस्ट होना चाहिए इसमें। काफ़ी रिच ग्रेवी है इसकी। जी सर ग्रेवी में रिचनेस उसी से आती है। यहाँ के लखनऊ के खाने में जी तेल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सर, तेल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मसाले कम इस्तेमाल करते हैं। जी सर, और हम अपने भी इसका बताएं सर, हमारा जितना भी खाना पकता है पूरा कड़वे तेल में पकता है। हम ना रिफाइंड डालते हैं ना हम आपका कोई पाम ऑयल या कुछ यूज़ करते हैं सर। असली जो मतलब ज़मीन का आपका कड़वा तेल होता है उससे हमारे सारे खाने पकते हैं। जो एक डिस्टिंक्ट खुशबू आती है उसकी भी आ रही है सर आपको। ये लगन भी हमारा पूरा कड़वा तेल में पका हुआ है। लखनऊ में सर खड़े मसाले का यूज़ कम है, हर चीज़ पिसी होनी चाहिए, हर चीज़ में मेल्टिंग माउथ होनी चाहिए। लखनऊ का तरीका वही है, सटल फ्लेवर सर। लखनऊ की आप जो नहारी भी देखें उसमें भी आपको खड़े मसाले नहीं मिलेंगे। चलिए इहाब भाई थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। नेक्स्ट टाइम आइएगा तो प्लीज़ कबाब जी आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और आते रहिए लखनऊ। बिल्कुल आते रहेंगे, बहुत अच्छा लगा आपके मेहमान नवाजी के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है, इदरीस हमारे वालिद साहब, 1968 से हमारी दुकान है। अच्छा देखिए हम लोग इसको बोलते तो बिरयानी है लेकिन ये असल में है यखनी पुलाव। जी हाँ बिरयानी, अब लोग नई जनरेशन है बिरयानी भी कहती है, पुलाव तो है ही है मगर बिरयानी भी कहती है। इसके इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है, कैसे बनाते हैं इसको? देखिए ये अखनी जो होती है उससे पकता है, दूध उबलाई से, जो मुख्तलिफ तरीके का जो गोश्त होता है 7 किलो बच्चे का वो लेके आते हैं उससे पकाते हैं। उसके बाद जो उसका अर्क होता है दूध में डाल के पकाते हैं। और भी आपने यूट्यूब में देखा होगा चैनलों में कि हमारी रेसिपी क्या है, मगर सबसे बड़ी जात अल्लाह की है, मज़ा डालने वाली वो है। मेरी नियत है उसमें भी अल्लाह की रजा है कि मेरी नियत पुख्ता रखे हुए है। जायका बढ़ाने इदरीस बिरयानी पे, जहाँ पर हम ये यखनी पुलाव खाने वाले हैं एंड सर खा भी रहे हैं। सर के कुर्ते से एकदम मैच हो रही है बिरयानी और मुझे पता है कि सर को ये बहुत पसंद आने वाली है बिकॉज पूरे लखनऊ में ऐसी बिरयानी कहीं भी नहीं है। और लखनऊ में ऐसा माना जाता है कि लोग पहले आँखों से खाते हैं। इसका कलर देखें आप, बिल्कुल ज़ाफरान का कलर है, साथ में थोड़ा फूड कलर भी इसमें मिलाया गया है। फिर उसके बाद लोग खुशबू से खाते हैं, इसकी खुशबू लेंगे आप उसमें मीठा अतर और केवड़ी की खुशबू आएगी। उसके बाद लोग जुबान से खाते हैं, है ना? जी सर, तो आइए इसका जायका लिया जाए। और चावल की बात की जाए तो ये अड़वा चावल है और इस चावल में बिरयानी पकाना मतलब पुलाव पकाना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि चावल टूट जाता है। जैसे गोल्डन सिला चावल इस्तेमाल करते हैं बहुत जगह पर लोग, सिला राइस, वो लंबा होता है, वो टूटता नहीं जल्दी और वो टेस्ट में भी उतना मुलायम नहीं होता है जितना अच्छा ये है। ये थोड़ा फ्लफी है जी। फ्लफी चावल है, ग्रीजी भी है, मतलब हाथ बिल्कुल तेल से लटपट हो चुके हैं। है बहुत ही स्वादिष्ट। अब गोश्त खाया जाए। बिल्कुल परफेक्टली कुक। इसको जो खास बनाता है वो है सटल फ्लेवर्स।
आपको मसालों का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आएगा, बिल्कुल माइल्ड फ्लेवर आएगा। बेसन की रोटी तो मतलब हम लोग तो बचपन से घर में मम्मी से बना देती थी, कद्दू का निकालो कद्दू के साथ बच्चा खा लेगा, और लहसुन की चटनी जो उसके हम लोग बचपन में खाते हैं। और भाई दाऊद भाई की आपको एक बार टेस्ट कराते हैं, क्या एक लहसुन की चटनी और हरी चटनी है, इसको रोटी बोलते हैं पराठा नहीं बोलते? नहीं, ये रोटी है, बनता भले ही थोड़ा सा डाला ऐसे पराठा करके, बट ये रोटी है। और ये एक वन ऑफ स्पेशलिटीज़ है जो लखनऊ की कुछ रोटियाँ हो गई, ये उसकी एक आप कह सकते हो एक वन ऑफ स्पेशलिटीज। ऊपर मैंने उन्हें घी लगा दिया है देसी घी। अकबरी गेट आके ये नहीं खाया तो क्या खाया? और ये वो चीज़ें जो एक नॉर्मल लखनऊ के बंदे घर घर पे है। बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, मतलब वैसे इसका जो टेक्सचर है ना, मैं कैसे कहूँ, बिस्किट की तरह है, हल्का सा क्रिस्प अंदर सॉफ्टनेस है, और उस पर ऊपर से ये जो चटनी का स्पाइस है, गार्लिक का पंच, वाह इतना खाया हुआ है। उसके बाद ये होता है जायका, अभी बार आप वो वाली चटनी ट्राई करिए, ये लखनऊ का जायका। ये पराठे की तरह है, दोनों तरफ से बिल्कुल क्रिस्प है, प्याज भी इसमें डला हुआ है, मसाले भी है, हल्का नमकीन भी है, एकदम करारा है, बिस्किट ऊपर सट भी। हाँ, और जो कॉम्बिनेशन है चटनी के साथ बहुत शानदार है, थोड़ा बहुत कहना है कि जैसे राजस्थान की याद पे दिला रहा है, जैसे वहाँ पे लहसुन की चटनी बहुत चलती है, लहसुन लाल मिर्च की, ये वही लहसुन की चटनी है, वैसे थोड़ा सा घी और घी कर दिया। हाँ, ऊपर से घी डाल दिया, बहुत शानदार है, बहुत ही उम्दा है। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है, ये हमारे छोटे भाई के नाम से दुकान है, दाऊद मेरे छोटे भाई का नाम है। और कब से लगा रहे हैं दुकान आप? ये हमने स्टार्ट की है 2013 से, हमारे फादर ने स्टार्ट की थी, मैं साथ में। हमारे पास 3-4 तरह की वैरायटी, 6 तरह की, नॉर्मल है रिफाइंड से बनेगी, देसी घी है देसी घी से बनेगी, बटर है बटर में बनेगी, स्पेशल हमारी मसाले वाली होती है जो हमारा पर्सनल सीक्रेट मसाला है, वो हमारी जो हमने खाई वो देसी घी की बहुत शानदार। शुक्रिया। मतलब मैं तो वही कह रहा था कि टेस्ट तो टेस्ट है ही, लेकिन साथ साथ हेल्थ के लिए भी अच्छी है। बिल्कुल, यहाँ पे हर जगह मैदा मिल रहा है, वहाँ पे बीच में एक मतलब बढ़िया चीज़ मिल रही है खाने को, पूरे नॉन वेज के एरिया में एक प्योर वेज हम शौक से खा रहे हैं जी। कभी तो आप देख रहे हैं शौक से इधर उधर पीछे साइड में सब तरफ हमारे तरफ लोग। तो इसको आप लोग रोटी में काउंट करते हैं कि पराठे में काउंट करते हैं? इसको लोग रोटी में भी काउंट करते हैं और पराठे में भी काउंट करते हैं, ज़्यादातर हमारे जो कस्टमर हैं वो रोटी को ही पराठे में। और क्योंकि हल्का आपने तेल लगा के इसको सेका है जी, फिर तो आ गया पराठे की श्रेणी में जी जी। हा? लेकिन ज़्यादातर जो नाम चल रहा है वो हमारे रोटी की, रोटी चल रहा है। तो कैसे आपको आइडिया आया दुकान खोलने का, ये बेसनी रोटी का? ये पापा है, ये पापा को आइडिया है। हाँ जी जी, एक शुगर का मरीज आया, पहले मैं अंडा और पराठा बेचता था, तो उसने कहा तुम बेसन की रोटी बेचो ज़्यादा बिकेगी और शुगर वाले ज़्यादा आएंगे, तो उसके कहने से मैंने पहले 5 किलो चलाया, तो अल्लाह का शुक्र है कि 1 घंटे में ख़त्म हो गया। उसके बाद धीमे धीमे जो कस्टमर बढ़ने लगे तो शुगर वाले भी आने लगे, शुगर नॉर्मल होने लगी लोगों की, उस वजह से जो है सक्सेसफुल काम चल पड़ा जी। जब अंडा पराठा बंद हो गया वो तो बंद है, इस पर अब दिन से तो चलता है बेसन की रोटी, तवा ही बदल लिया मैंने, अब टाइम ही नहीं मिलता इसको, इसके अलावा टाइम ही नहीं मिलता उन लोग को। ये अंडा पराठा वैसे इसमें कोई प्योर तो वेज है, ये बेसन की रोटी काम है भी वैसे मेहनत वाला, ये पूरा मतलब मैं देखता हूँ जब किस तरह से लखनऊ में लोग रोटियाँ बनाते हैं, मतलब उन सबको मेरा सलाम है, जब वो तंदूर में कोई लगा रहा हो या तवे पे सेक रहा हो या उल्टे तवे पे बना रहा हो, मतलब बहुत मेहनत करते हैं। उस्ताद उस्ताद ही रह गया, और चेला जो है मेरे बेटे हैं, मगर ये हमसे बेहतर रोटी बनाते हैं, और जब टाइम तवे पर खड़े होते तो इनकी रोटी नचाने का स्टाइल भी आप देख लीजिए, तो दिखाइए।
मैं अभी नीचे उनसे बात कर रहा था जो शॉप के ओनर हैं जी, वो बता रहे थे ये करीम कबाबी 1918 से यहाँ पे जी, करीम कबाबी मतलब सेंचुरी हो चुकी है इस रेस्टोरेंट की। यहाँ पे जिस तरह से ये कबाब बना रहे थे वो थोड़ा अलग था, अलग था, अलग कह रहे थे कि हम लोग टिकिया नहीं बनाते हैं, टिकिया नहीं बनाते हम लोग, उसको भून देते हैं माही तवे पे, माही तवे पे। और वो कारण मैं पूछा क्यों ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने बताया कि क्या होता है कि जब टिकिए की तरह इसको तलते हैं, पैन फ्राई करते हैं, तो ऊपर दो तरफ से तो क्रिस्प हो जाता है, अंदर से कच्चापन रह जाता है, से कच्चापन रह जाता है। तो वो कच्चापन दूर करने के लिए माही तवे पे उसको अच्छे से फिर तेल घी के साथ में। अच्छा, एक कबाबों की बात एक मैंने और कर दी कि लखनऊ में दो तरीके खाने होते थे, एक खाना गम का होता था और ये लखनऊ की खासियत है कि एक खाना गम का होता था, एक खाना खुशी का होता था। कबाब एक ऐसी चीज़ थी क्योंकि दोनों चीज़ों के अंदर गम के भी खाने और खुशी के भी खाने, क्योंकि लखनऊ में मुहर्रम जो कि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो उसके अंदर जो कबाब होते थे वो मजलिसी कबाब भी खाते थे। तो मजलिसी कबाब ऐसे रहते थे कि ताकि जितने भी गरीब तबका भी अमीर तबका भी सब खा सके, तो भी मजलिसी कबाब भी ऐसे घुटवे तरीक़े से बनाए जाते थे, कोई शेप नहीं होता था वो भी ऐसे बहुत मैश करके बनाए जाते थे। तो ये भी कुछ हद तक मैश्ड कबाब है, इसको घुटवा कबाब कहे जाते थे। हाँ। तो ये घुटवा भी नहीं है मगर ये गलावटी कबाब ही है, गलावटी कबाब है। और बस फर्क ये है कि इसको टिकिया का शेप नहीं दिया गया, टिकिया का शेप नहीं दिया, ये इसकी खूबसूरती है ताकि पूरा ये फ्राई हो चुका है, इसके अंदर की पूरी सारी तर्ज जा चुका है, कच्चेपन का तर्ज जा चुका है। चलिए, और ये हमारे पास उल्टे तवे का पराठा है, तवे का पराठा है, चिकन गलावटी है, चिकन गलावटी। ये कब से शुरू हुआ प्रचलन बन के साथ कबाब का? ये जो 1918 में इसी से काम शुरू हुआ था। मैंने जो बन कबाब देखा है ज़्यादातर वो भोपाल में देखा है। अच्छा अच्छा, भोपाल में आप जाएंगे वहाँ बन कबाब बहुत खाते हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे शुरू आप लोग नहीं किया ऐसे? हाँ, 1918 में जो हमारे दादा थे परदादा, उनका नाम था हाजी अब्दुल करीम साहब, तो उन्हीं के नाम से ये दुकान है, तो उन्होंने ये जो है बन कबाब भी चालू किया था, और 1918 से 2000 तक थे ये सिर्फ हमारे बन कबाब ही का है, फिर 2000 में जो है हम लोगों ने पराठे सर्विस कराए। ऊपर से एकदम शाइन कर रहा है, अच्छे से घी लगा के इसको सेका गया है, और अंदर से मटन का कीमा तबे से बनाई हुई है इसकी भी। इतना फाइन कीमा है मटन का कि मुंह में जाते ही बिल्कुल घुल जा रहा है, और लेकिन टेक्सचर मतलब कहीं भी आपको कच्चापन का एहसास नहीं होगा। जी जी, हैं बिल्कुल तबे से इसकी बुनाई करके अच्छे से इसको पकाया गया है। हाँ। तो वही इसको अलग बनाता है, हैं। और एक अच्छी चीज़ है कि इसमें चटनी कुछ प्याज के लच्छे डाल के इसको इसकी शोभा ख़राब नहीं की गई, जो टेस्ट है वो प्योर टेस्ट है, वो मीट का ही टेस्ट है, और बन का अपना स्वीटनेस है, और इसमें कीमे में भी अच्छा एक मीठा इतना डालते हैं इसमें। हाँ, हल्का सा डालते हैं, हल्का डालता है, उसकी खुशबू भी है, खुशबू भी है। हो गया, यही था कश्मीरी चाय? क्या बात कर रहे हो, मतलब कुछ बहुत कुछ इसमें होगा? नहीं नहीं, बहुत कुछ होता। ये कलर इसका पिंक कैसे आता है? वो पत्ती कलर देती है, जैसे शादी चाय में तो रंग खोलाते हैं तो उसके अंदर दूध डालने के बाद वो येलो कलर देती है, ये पिंक कलर देती है। और समोसा बोलते हैं, समोसा डाल देते हैं इसमें? समोसा इसके अंदर डाला जाता है, जो रखा हुआ दिखाई, समोसा दिखाई, ये वहाँ समोसा, ये समोसा है, मतलब इसको इसके अंदर डाला जाता है, पर चाय डाली जाती है, फिर मलाई डाली जाती है, मलाई डाल के खाया जाता है। अच्छा, ये तो पूरा नाश्ता में नाश्ता हो जाएगा यार, खा लिया। चलिए, हमारा रात का टाइम है, नाश्ता नहीं करेंगे, हम सिर्फ चाय का लुत्फ उठाएंगे। मसालों का टेस्ट तो आ रहा है, काफ़ी मीठा है, लेकिन मीठी होती है, पकते पकते जितना पकेंगे उतनी मीठी बनेगी, हम लोग कम मीठी बनाते हैं। है टेस्टी, चाय पत्ती का उतना खास टेस्ट नहीं है, चाय पत्ती टेस्ट नहीं देती, चाय पत्ती कलर निकालती। हाँ, जो टेस्ट आ रहा है ना वो मसालों का आ रहा है, और चीनी का आ रहा है, और दूध का आ रहा है, मलाई पड़ी। हाँ, ये पहलवान मलाई वाले हैं, पहलवान मलाई वाले, मलाई हो चुकी है ख़त्म, जो हम खा रहे हैं रबड़ी, रबड़ी खा रहे हैं। मेरे यहाँ की रबड़ी ऐसी है कि जो इसके अंदर रबड़ी है, इसके अंदर अरारोट का कोई कंटेंट, सिर्फ दूध है, दूध सिर्फ खालिस दूध का, बाकी और जगह की आप रबड़ी खाएँ तो उसके अंदर अरारोट का कंटेंट ज़्यादा होता है, ये खालिस है। इतने इसकी कलर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ब्राउनिश फॉर्म, दूध को जितना ज़्यादा खपाते हैं ये लोग कि 10 लीटर दूध का ये 1 लीटर फॉर्म,
बिल्कुल ऐसे करके, तो आप इसका फ्लेवर अगर पेरिस की बाइट लेंगे तो एक ऑप्टिमम फ्लेवर इसके अंदर आप। दूसरी चीज़, लखनऊ में जितनी डिशेज होती थी पहले दस्तरखान का अदब होता था कि जितनी डिशेज आएंगे उस पर आपको आदाब करना होता है, एक डिशेज पे आदाब, एक चम्मच पे आदाब, हर चीज़ के अंदर आदाब। चलिए आदाब लखनऊ आप शुरुआत करिए, आपके पहले रबड़ी आई है, आदाब कर देते हैं आदाब। चलिए, ये जो है रबड़ी है दानेदार है, और लेकिन मुंह में जब आप डाल रहे हैं इसको तो वो जो दाना भी, वो भी पिघल जा रहा है, वो भी पिघल जा रहा है, खुल जा रहा है, मतलब हाँ, ये लखनऊ की रबड़ी की खासियत। आप भी लीजिए आदाब, बोलिए। मैं भी लेता हूँ आदाब। अनु भाई की समझ लीजिए 15 साल हो गए, 20 साल इनके अब्बा वाले साहब बैठते रहते, अब ये बैठते हैं, इनके बेटा बैठता है, तो दिन की शिफ्ट इनकी लगती है, रात की शिफ्ट इनकी लगती है, दिन की इनके बेटे की लगती है, और मतलब मेरा बचपना गुजर गया यहीं खाते हुए पान, और वही टेस्ट है, कुछ मतलब फ़र्क नहीं, रेट में भी कोई डिफरेंस नहीं आया है। आप इसमें खा के देखिए, पत्ते क्वालिटी इसमें दस बहुत तरह के इसमें वो लगते हैं, सॉरी आती है तंबाकू के, बनारसी बनारसी और ये सब कलकतिया, 15-20 आइटम इनके अलग से रहते हैं पान में, तो आप टेस्ट करके देखिए एक बार। चलिए हम लोग पान का नौश फरमाते हैं। आदाब आदाब।